आज आजम सवाती रोजाना मरता है, रोजाना जीता है सुमीत के ऊपर कि शायद इन दावतों से मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन देखें जिस मुल्क के इदारों में, जिस मुल्क के इदारों में सादिक संजरानी जैसे बेकरदार, बदकरदार और उनके एजेंट अगर सेनेट का चेयरमैन है जिसका एक एक बाल आजम सवाती और इमरान खान के एहसानात के नीचे है, आजम सवाती साहब, वो अगर ऐसी हरकत कर सकता है तो फिर देख लें, इंसाफ इसलिए नहीं है कि इदारती निज़ाम नहीं है, और इदारती निज़ाम इसलिए नहीं है कि ताकतवर लोगों ने सारे इदारों को तबाह करके रख दिया है। आज वक्त आ चुका है, क्या बिलावल भुट्टो ये कहता है कि मार्शल ला आएगा? अरे हम तो 25 दिसंबर के बाद हर रोज़ हमारे लिए मार्शल ला है। किस मार्शल ला की बात करते हो? 3,300 हमारे कारकुन जेलों के अंदर हैं, वो इमरान खान के ऊपर 194 FIR हैं और आजम सवाती पे 48 FIR हैं। आज वकला को, पाकिस्तान के वकला को, जिंदा वकला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल जिस कसीर तादाद के यहाँ पे आए और इन इदारतों के साथ इंसाफ के साथ खड़े हुए, इंशाल्लाह ताला ये इंसाफ का काफिला जिस तरीके से मीडिया आज इंसाफ के लिए खड़ा है, सारे मुजालम के बाद, सारी सख्तियों के बावजूद आज पाकिस्तान के वकला, मीडिया और उन इदारों के अंदर जो लोग पाकिस्तान को एक जबूरी मुल्क देखना चाहते हैं, आफरीन है उन पर, उनकी माओं पर, उनकी बहनों पर आफरीन है। और मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ तमाम उन कैदियों को, PTI के कैदियों को, मीडिया के कैदियों को, जिन्होंने मेरे मुल्क को बचाने के लिए, जिन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए, जिन्होंने अदालती निज़ाम और इंसाफ की बोलबाला के लिए अपनी कुर्बानियाँ आज अपने खून से, अपनी कैदी से इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुख्तसर बस इतना बता दें कि वो असल सुनने में आ रहा है कि नूर एक बढ़ के मार रही है कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, इस पे थोड़ा सा कमेंट करें। Article 6 उनका बाप बाहर बैठा हुआ है लूटने वाला, पहले तो जो है नवाज शरीफ को लेके आए जो मुल्क का भगोड़ा है, एस्कॉर्डर मुजरम है और उसकी बेटी भी मुजरम है, इंशाल्लाह ताला उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के आवाम माशाल्लाह के लिए तैयार हैं, अपनी इदारतों के साथ खड़े हैं, इंसाफ का बोल बाला होगा खुदा के फजल से, और इलेक्शन 14 मई को खुदा के फजल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह 90% खुदा के फजल से, उससे भी ज्यादा सीटें अल्लाह के फजल से इमरान खान की क्यादत के अंदर PTI खुदा के फजल से जीते। इंशाल्लाह। आज के फैसले के बारे में आजम सवाती साहब जिंदाबाद।